मैं सिद्धि विनायक हूं, प्रभा देवी स्थित सिद्धि विनायक, और ये कहानी है मेरे भक्तों द्वारा अनुभव किए हुए चमत्कारों पर आधारित सत्य कथा की। क्या करूं, भाई तो आपका ही हूं ना। पार्वती, हमारे दोनों सुपुत्र अब बड़े हो गए हैं। हाँ, दोनों चपल, चतुर और बुद्धिमान भी हैं। तो चलो दोनों में एक प्रतियोगिता करवाते हैं। कैसी प्रतियोगिता? देखो तो, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिक, जरा यहाँ आना। जी पिताजी। सुनो, हम आज आप दोनों की एक परीक्षा लेने का विचार कर रहे हैं। कैसी परीक्षा पिताश्री? हे माते, कैसी परीक्षा? अब ध्यान से सुनो, आप दोनों आज इस वसुंधरा की 3 परिक्रमाएं पूर्ण करेंगे। आप दोनों में सबसे पहले जो 3 परिक्रमाएं पूर्ण करेगा विजय श्री, उसकी। जैसी आज्ञा पिताश्री। जैसी आज्ञा पिताश्री। गणेश, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो पुत्र? तुम्हारा भ्राता तो परिक्रमा के लिए निकल पड़ा, अगर तुम शीघ्र नहीं गए तो जानते हो ना क्या होगा। माताश्री, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र, ये क्या कर रहे हो? माते, पिताश्री, मैंने 3 परिक्रमाएं पूर्ण की है, इस प्रतियोगिता का विजेता मैं हूँ। पुत्र, वो कैसे? माता पिता के चरणों में 3 लोक हैं, ये वेदों में कहा है। इसी आधार पर मैंने केवल वसुंधरा ही नहीं 3 लोक की परिक्रमा पूर्ण की है। और सत्य तो यही है कि माता पिता के चरणों में ही संतान का विश्व है। सत्य कहा ना? तथास्तु। सिद्धि विनायक अति सुखदायक, सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी। सिद्धि विनायक अति सुखदायक, सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी। सारे जग में सबसे पूजित, सबकी श्रद्धा वाले, जो भी उनका सुमिरन करते पाते नए उजाले। पल भर में ही मिट जाती है दुविधाएं सारी, पल भर में ही मिट जाती है दुविधाएं सारी।
कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी। कितने सुहाने थे वो दिन जो आज पंख लगाकर उड़ गए। जब बा और बापू साथ रहते थे तो ये घर घर लगता था। अब तो ऐसे लगता है जैसे कोई बिना परिंदों के आशियाना हो। माता पिता का साया धूप में छाया की तरह होता है। लेकिन अफसोस, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रामनाथन बोलो। सर वाड़ा फैक्ट्री में भी माने ने टांग अड़ाए हैं और मल्होत्रा दो दिन चाहते हैं फैक्ट्री शुरू करने के लिए। इट्स द सेम डैम स्टोरी। दो हफ्ते पहले सिलवासा में ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, अब वाड़ा में। लुक आई वांट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके, अ परमानेंट सॉल्यूशन। सर दो दिन के बाद वी हैव आवर बोर्ड मीटिंग, उसके बाद ही सोल्यूशन निकलेगा। सर तुम्हें क्या लगता है बोर्ड मीटिंग में ये सब सोल्यूशन निकल जाएगा? नॉट श्योर बट आई थिंक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सर यू ट्राइंग योर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ रामनाथन। तुम एक काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेवल लो और काम चालू रखो। ओके नो सर, इट विल टर्न इन टू डिजास्टर, बोथ द यूनियन पीपल विल रिटालिएट। Look, I want results, okay? I don't want excuses, Ramanathan. Just do what I say, all right? Okay, sir. हाँ माने साहब बोलिए। नमस्कार मेहता साहब। क्या मेहता साहब, मेरे से बात करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है? मैं बिजी था, बोलिए। बिजी? अरे मेहता साहब अभी सभी फैक्ट्रियां बंद है और कामगार घर पर आराम कर रहे हैं और आप बिजी है, कमाल है। काम की बात करें। अच्छा काम की बात, तो वो आपको जो 5-5 फाइलें भेजी है ना उसमें। क्यों मल्होत्रा साहब ने दी नहीं क्या आपको? आपकी फाइलें मुझे मिल गई हैं। फिर आप डिसीजन क्यों नहीं लेते? डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। मेहता साहब आप पिछले 2 महीने से मुझे बोर्ड मीटिंग का प्रॉमिस कर रहे हो और वो आपका जो लीगल एडवाइजर है ना, क्या नाम है उसका, संजय, वो मुझे बोर्ड के रूल और कलम बताता था। मैंने उसे बोला तेरे कुछ कलम है तो मेरे भी कुछ कलम है, इसलिए मैंने बंद का कलम लगाया है। मेहता साहब अभी और मेरे कलम बाकी हैं। क्या हुआ? Again she did it. अरे क्या हुआ? सब संभल के, कांच के टुकड़े। हाँ पता है मुझे। फिर किया ना? क्या है ये सब? Again you did this? Relax. अब मार क्यों रही है उसको तुम? Look at what she's doing. बेटा ऐसा क्यों करती हो तुम? कांच के बर्तन तोड़ के तुम्हें मजा आता है क्या? नहीं पापा। अरे 12 साल की हो गई हो तुम, इतनी छोटी बच्ची नहीं हो अभी। बिगड़ गई है वो, अच्छा लगता है उसे तंग करना। वो तो बिगड़ गई, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? अब तक सो क्यों रही थी? यहाँ बच्चों के लिए क्यों नहीं हो तुम? मानव मैं 1 बजे आई हूँ रात को। सो मैं भी लेट आऊँ रात को, लेकिन मैं काम कर रहा था फैक्ट्री के अंदर और तुम फैशन शो में थी। देयर इज अ डिफरेंस। एक्सक्यूज मी, दैट वाज योर इनवाइट, मैं तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही थी। एक मिनट, फैशन शो ज्यादा जरूरी है या घर और बच्चे ज्यादा जरूरी है? तुम्हें पता था ना कि मैं लेट आ रही हूँ, व्हाई डिडंट यू कम अर्ली? मैं टाइम पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं काम कर रहा था फैक्ट्री के अंदर। अपना काम छोड़ कर आऊं क्या मैं? डू यू हैव एनी आइडिया मेरे साथ क्या हो रहा है? यू हैव एनी ब्लडी आइडिया? नो, आई हैव नो ब्लडी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि तुमने कभी बताने की जरूरत ही नहीं समझी कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं क्यों तुम्हें बताऊं? बच्चों प्लीज
नाश्ता खाओ एंड प्लीज गेट रेडी फॉर स्कूल नाउ कम ऑन। आज नेत्रा की काउंसलिंग है, कौन जा रहा है? देखो प्लीज अभी बहस मत करो, काउंसलिंग के लिए तुम चली जाना, ऑलराइट? या राइट, सब कुछ मैं ही करूं। राधा फ्लोर साफ करो। बच्चों नाश्ता करो प्लीज। Hey, listen. Just, you know, get this straight now. बाहर की बिजनेस की जिम्मेदारी मेरी है, घर की बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम इसको निभाओगी, ऑलराइट? प्लीज ये पार्टी वाड़ी बंद करो। नो मोर पार्टीज, ओके? तुम्हें पता है मैं पार्टी क्यों करती? क्योंकि तुम नहीं करते, मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करती हूँ। आज पता है कहाँ जाना है मुझे? मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग है, दुनिया भर का मीडिया आ रहा है। यू नो वेयर आई वांट टू सी यू, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ मानव। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ हमारा बिजनेस फ्लरिश करे। दिस इज फॉर यू, ये मेरी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी बच्चों के लिए है, उसको पहले निभाओ। प्लीज उसके स्कूल जाओ, उसकी टीचर को मिलो तुम। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी। मैं अपना काम छोड़ के कैसे आऊं? अपना बिजनेस छोड़ के मैं कैसे आऊं? तुम मुझे बताओ, तो यू नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी कितनी प्रॉब्लम्स है? यू हैव एनी आइडिया दिव्या? यू नो व्हाट, प्रॉब्लम तुम्हारा बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम तुम खुद। मैं ही प्रॉब्लम हूँ, राइट? लेकिन प्लीज आज तुम जाके उसकी टीचर को मिल सकती हो? आई बेग यू, प्लीज आई बेग यू। व्हाई आर यू डूइंग दिस? मेरी भी तो बेटी है, ऑफ कोर्स आई विल गो। थैंक यू। यू वेलकम। राम सिंह चाबी दो। यस सर। यहीं रुको। जी सर। मीरचंदानी साहब। मनु भाई, हमारा कंसाइनमेंट कैंसिल। क्या? लेकिन हाउ कैन यू डू दैट? आई कांट हेल्प इट। 5 करोड़ का कंसाइनमेंट साहब, लेकिन आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? टेक्निकल ग्राउंड्स। टेक्निकल ग्राउंड्स? टेक्निकल सर, सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सब चेक हुए हैं सर, सारे में लैब में चेक हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? तुम नहीं समझ पाओगे सर, यू कांट डू दिस सर, दिस इज नॉट फेयर। मानू, आई टोल्ड यू द डील इज कैंसल्ड मींस कैंसल्ड, दैट्स ऑल। जी कैसे हैं आप? बेटा सूरज, तेरी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम सब लोग कैसे हो? हम लोग बहुत अकेले हैं दादी जी, ना पढ़ाई में मन, ना खेलने में मन। क्या? और फिर मैं मैच में भी फेल हो गया दादी जी, और मेरी बॉल भी खो गई। सूरज बेटा देखो, तुम रोना मत। दादी जी अब जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ बेटा आएंगे। और दादाजी को लेकर जल्दी आ जाओ दादी। रोना मत सूरज, हम लोग तुम्हारी खुशी और सुख शांति के लिए अपने पुराने घर वापस आ गए हैं, ताकि तुम लोग सुख से रह सको। क्या कह रही है दादी, बोल ना। जल्दी आना दादी। ठीक है बेटा, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, तुम ठीक से मन लगा कर पढ़ना। और नेत्रा कैसी है? हेलो। हेलो मीरचंद नानी, क्या हुआ यार, क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? नहीं कोई बात नहीं यार। कोई बात है तो मुझे बताओ। नो इट्स फाइन, आई एम ओके। तो फिर ये क्या यार, टेक्निकल ग्राउंड से मेरी सारी की सारी कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे बता, बैठ के बात कर सकते हैं हम लोग। लुक मानू, आई टोल्ड यू द डील इज कैंसल्ड मींस कैंसल्ड, एंड आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स ऑल। Hey, take a chill pill, man, take a chill pill. Tension क्यों ले रहा है इतना? Business में ऐसा होता है. It's okay. गुस्सा क्यों कर रहे थे? गुस्से से relation बिगड़ते हैं. Yaar, you know what kind of a problem I'm going through. If you can't help me, at least don't bloody मेरी tension increase तो मत कर यार. Anyway, मैंने जो कहा है उसके बारे में जरा सोचना, and say hi to Sonam.
राइट? ओके। क्या बात है अजीत, बड़े परेशान लग रहे हो। तू नहीं जानती सोनम कि मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूं। अगर तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा सोनम। ऐसी क्या बात हो गई है अजीत? अगर आज शाम तक भाई को 5 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो कल का दिन हम देख नहीं पाएंगे। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है अजीत? 3 दिन से 5 करोड़ की धमकी आ रही और वहाँ पर मानव की दोस्ती। अजीत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे छुपा कर घुट घुट कर मरने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। तसल्ली रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या करूँ सोनम, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे किसी भी कीमत पे मानव के 5 करोड़ की डील कैंसिल करके भाई को 5 करोड़ देना है। सूरज संभल के जाना, ओके? और अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, और कहीं भी जाना हो ना तो अपनी टीचर को बता के जाना, समझ गया ना? मम्मी, अब 4 बार बता चुकी हूँ, मुझे तो समझ में आएगा ही ना। गुड बॉय, इसे 10 बार भी बोलो ना तब भी समझ में। ये देखो, लेस खुला है तुम्हारा। मम्मी, तुम्हारे अकेले आने से कुछ बात नहीं बनेगी, अगर पापा भी साथ होते तो कुछ बात बन सकती थी, इसलिए तुम ना आओ तो ही अच्छा है। नेत्रा, यू डोंट हैव टू टीच मी, ओके? पापा नहीं आ सकते, इज बिजी ना। आज मैं आऊंगी, अगली बार वो आएंगे, ठीक है? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, पता नहीं पापा को कब टाइम मिलेगा, जब देखो तब बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। नेत्रा, टिफ, व्हाट्स दिस? क्या करना है, क्या करते हैं, क्या करना है, क्या करते हैं, क्या हो जाता है। क्या करना है, क्या करते हैं, क्या हो जाता है। हो जीवन की एक भूल से पल में, जीवन की एक भूल से पल में हर रास्ता खो जाता है। क्या करना है, क्या करते हैं, क्या हो जाता है। सर, 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 गुड मॉर्निंग सर, मैं हेमा। हाँ हेमा, बोलो। शादी के बाद मालिनी मालवणकर सर। हाँ हेमा, सॉरी मालिनी, बोलो। वंस अगेन गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी अभी नासिक के फैक्ट्री से फोन आया था सर, वहाँ पे स्ट्राइक शुरू हो गई है सर। जानता हूँ मैं, और ओके सर, वो मिस्टर मीरचंदने के ऐसे फैक्स आया था, वहाँ का कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया सर। मेरी उनसे बात हो गई सुबह। ओह, वो सर, वो अपनी यूनियन लीडर है ना, अपने यानी जो यूनियन लीडर है ना सर, वो थोड़े सटिया गए है। वो क्या है, वो कह रहे थे कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की ना तो आज वो हेड ऑफिस पे मोर्चा लेके आएंगे। वो और वो कर भी कर सकते हैं मालिनी सर। ओके मालिनी, तुम्हारे पास और कोई गुड न्यूज है क्या? है ना सर, कल मेरा बर्थडे है ना। आई एम सॉरी सर, सॉरी सॉरी, यानी कि दूसरी एक बात है, वो एडवोकेट संजय है ना, उनके घर से ना किसी का फोन आया था सर, वो संजय का अभी तक पता नहीं है। और सर, सर, वो अपने अकाउंट्स मैनेजर है ना दीपक, वो आज भी काम पे नहीं आए सर। आप तो आ रहे हैं ना? हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम एक काम करो, रामनाथन को बोलो ये सब कुछ हैंडल करे, ओके? ओके ओके सर। एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। खुशियाँ पाना सब ही चाहे, दुख किस को भाए, कौन कहाँ जाकर पहुँचेगा, वक्त ये बतलाए। कोई न जाने, कोई न समझे, मंजिल कब आए। हो जीवन की एक भूल से पल में, जीवन की
एक भूल से पल में हर रास्ता खो जाता है। क्या करना है, क्या करते हैं, क्या हो जाता है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर दामले। यस सर। एक दो दिन में सिलवासा का अपना फैक्ट्री है, वहाँ जाके मैनेजर से बात करके वहाँ का प्रोडक्शन रिपोर्ट का फाइल तैयार करके रखना। ओके ओके सर। अच्छा मिस्टर देसाई। यस सर। वो अपना नेपच्यून का बांड का जो साइट है उसका लीगल पेपर्स आए ना अभी तक? आई एम सॉरी सर, पेपर्स आर रेडी सर। आई एम सॉरी सर। अरे यू शुड हैव गिवन मी। सॉरी सर। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा ओ जो सर 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 साहब ने ना आपको एडवोकेट संजय के घर वालों के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहा है सर। ओके ओके मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। हम दोपहर के बाद मिल लेता हूँ। ओके लेट्स बॉस कम मिसेस हेमा मालिनी सर। ओके ओके हेमा मालिनी। हेमा अलग, मालिनी अलग। अच्छा सर, क्या है वो शादी के मंडप में ना वो चावल उबला हुआ नहीं है सर, कच्चा चावल, उसके ऊपर ना मेरा नाम लिखा था। क्या? मालिनी। अच्छा मालिनी मालवणकर। वो बदला ना बराबर मुंह में बैठा है ना अभी तक। ठीक है ठीक है, आई विल ट्राई। यस। ओके ओके अभी बॉस किधर होंगे? घर से तो निकले, आते होंगे सर। ओके ओके बाय मालवणकर। आपको आया सर, क्या बात है मालिनी मालवा। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो मेहता साहब, संजय का डैडी मिस्टर राव बोलता है जी। राव साहब क्या हुआ, कहाँ है संजय? उसका किडनैप किया है जी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? आपको कैसे पता चला? वो लोग का फोन आया जी, 1 करोड़ मांगता है। कौन है ये लोग? क्या पता। आपने पुलिस में खबर की? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सब पुलिस का झंझट नहीं मांगता है जी। हाँ हाँ, हम 1 करोड़ जमा करने का कोशिश करता है जी, हम हमारे फैमिली मेंबर से भी बोला है जी। मैं तो सब आप कुछ हमको हेल्प करेगा जी? देखिए मैं ऑफिस में फोन करके पता करता हूँ, फिर मैं आपको फोन करता हूँ। ओके जी। हाँ अप्पा। क्या कहा, कुछ अरेंजमेंट हो रहा है पैसों का? मेहता साहब बोला ऑफिस में बात करके बताता है। लेकिन 1 करोड़ कोई मामूली अमाउंट नहीं है अप्पा, आपको क्या लगता है वो दे देंगे? बेटा हम कोशिश तो कर रहे हैं, देखे तकदीर में होगा तो हो जाएगा, अब तो सिद्धिविनायक का ही सहारा है। सर। अरे दीपक कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे तुम? सर मैं टेंशन में था इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर सका सर। टेंशन सिर्फ तुमको होता है क्या? तुम्हारे बिना ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, उसका टेंशन नहीं है तुमको? जी सर, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर। ओके आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऑफिस नहीं आओ यार, तुम्हारे पिताजी एडमिट हुए हैं, तुम थोड़े हुए हो। लेकिन उनके साथ मुझे भी रहना पड़ता है वहाँ। अरे तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है क्या? हाँ सर, लेकिन अस्पताल में भागदौड़ करने के लिए मेरे अलावा घर में बड़ा कोई नहीं है। प्लीज सर आप मुझे समझने की कोशिश करो। बाय द वे तुम्हारे पिताजी को हुआ क्या है? सर वो कोमा में है। कोमा में? इज दैट सीरियस? आई एम सॉरी अभिष, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर। एनीवे तुम मेरी बैंक पोजीशन जरा पता करके मुझे फोन कर देना। ओके एंड यू टेक केयर। ओके सर। हाँ
मिस्टर दीपक सर, एज यू नो योर फादर इज इन कोमा एंड ऑन वेंटिलेशन. सो इन दिस सिचुएशन जब तक वेंटिलेटर्स चलेंगे योर फादर इज अलाइव. बट इवन देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और आपको पता ही होगा कि कई बार पेशेंट्स कोमा से सेफली बाहर आते भी हैं और नहीं भी. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हेलो. हाँ मानव. हाँ दिव्या, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त सूरज के स्कूल में हूँ. सूरज के स्कूल में क्या कर रही हो? तुम्हें नेत्रा के स्कूल में होना था यार. मानव रिलैक्स, सूरज जिद कर रहा था और नेत्रा के स्कूल में हमें शाम को बुलाया. बस डिले होगी इसलिए यही वेट कर रही हूँ. एक सेकेंड ना सूरज, वांट्स टू टॉक. वन सेकेंड. हेलो पापा. हाय बेटा. पापा आज हम गेटवे ऑफ इंडिया और म्यूजियम और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं. वेरी गुड, एंजॉय योरसेल्फ. ओके और लिसन, वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत भीड़ होती है, ध्यान से. हाँ पापा. और पापा, टीचर ने हमें कहा है कि हमें पिकनिक में सरप्राइज मिलने वाला है. हाँ पापा, हमारी बस आ गई. बाय. चलो चलो भागो, ख्याल रखना, एंजॉय योरसेल्फ. हाँ हाँ मानव. हाँ दिव्या लिसन, प्लीज शाम को नेत्रा के स्कूल जाना भूलना नहीं. हाँ बाबा, गो फॉर श्योर, डोंट वरी. बाय. सड़क पे सर पर दौड़े जीवन की ये गाड़ी, जो इस गाड़ी में ना बैठे समझो उसे अनाड़ी. कहा सभी ने जीवन तो है चलने का ही नाम, विजय उसी को मिलती है जो चलता सुबह शाम. करना कल इस जग में ऐसा आविष्कार, हैरत भरी निगाहों से देखे तुमको संसार. ऊंचाई को हाथ बढ़ाकर छूना बहुत जरूरी, हर रास्ते पर ऐसे चलना मिट जाए हर दूरी. Oh.
कुछ भी हो पर सदा ही करना मानवता का मान। सेवा दया भक्ति बन जाए तुम सबकी पहचान। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम बोले सभी दिशाएं। आज के बच्चे कल इस जग में शोहरत इज्जत पाएं। पहचान लिया मैंने। हेमा बोलो। सर मैं मिसेस मालिनी सर। आगे बोलो। सर यूनियन के ना कुछ लोग ऑफिस के नीचे नारेबाजी कर रहे हैं सर। ओ फैंटास्टिक। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। और उनके साथ कोई और भी है क्या? वो माने हैं? माने हाँ वो थे नीचे। सर सर एक ना अंदर की बात है सर, वो दूसरा ग्रुप है ना वो शायद साल्वी लीड कर रहा है सर। हाँ और ये माने और साल्वी के बीच में ना कुछ अनबन है सर। ओ, वो साल्वी भी है यहाँ पर। तुम एक काम करो साल्वी के आदमियों को ना कोल्ड ड्रिंक भेज दो। या ओके सर। या थैंक यू सर। हेलो हेलो सिद्धिविनायक का मंदिर। गाड़ी बंद हो गया क्या? मैकेनिक? हाँ मैकेनिक है। देखो जरा प्रॉब्लम क्या है। बोनेट खोलो मैं देखते। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखते ही। कितना टाइम लगेगा? एक चाय पीने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। और चाय गर्म होएगा तो? आधा घंटा। तू एक गरम गरम चाय पी के आओ, तब तक मैं करके रखता है। ओके
अरे सामने ये मैं टेंपल में जा रहा है। हाँ टेंपल में भी टीए सब, डोंट फॉरगेट। अरे सर नहीं फूल नहीं चाहिए। नहीं सर मैं फूल वाला नहीं हूँ। मोहम्मद मोहम्मद नाम है मेरा। आपकी जो खोपली वाली फैक्ट्री है जो अभी हड़ताल के कारण बंद है, मैं वहीं काम करता हूँ। क्या नाम बताया? मोहम्मद मोहम्मद इनामदार। आपके एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो प्रदीप बेड़कर तुम्हारे बॉस हैं? एकदम बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए ना सर दर्शन लेते हैं। सर सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज जूते यहीं पे उतार देंगे? हाँ प्लीज। क्यों नहीं? अरे अरे रहने दीजिए मैं बोलता हूँ किसी को। अरे रवि जरा ध्यान रखो, अपने बॉस है। कुछ फिक्र नहीं, वो ध्यान रखेगा। तो तुम यहाँ पे हमेशा आते हो? हाँ बिल्कुल हमेशा आता हूँ, और आज तो विनायक की चतुर्थी है ना, इसीलिए खास करके चला आया हूँ। वैसे भी हर मंगलवार को, संकष्टी चतुर्थी को और गणेश चतुर्थी को मैं बाकायदा यहाँ पे आ पहुँचता हूँ। कैसा है ना साहब, मेरे शादी को पूरे 10 साल हुए और अभी मुझे एक औलाद हुई है। मैं तहे दिल से ये मानता हूँ कि ये इसी का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैंने मन्नत बोली थी, आज पूरी करने आया हूँ। और हाँ आ ही गया हूँ तो अपनी भी फैक्ट्री जल्द से जल्द चालू हो जाए इसके लिए भी इबादत करूँगा, ज़रूर करूँगा। अच्छा आप भी आज उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं बराबर? नहीं एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा वक्त था मेरे पास इसलिए मंदिर देखा सामने आ गया मैं, और क्या। फैक्ट तो ये है कि मैं कभी इस रास्ते से गुजरता भी नहीं। कमाल है सर। सर इस मुंबई में ऐसे कितने लोग हैं जो जानबूझकर यहाँ से गुजरते हैं मन में ये आशा रख के कि दूर से ही सही मगर इस सिद्धिविनायक जी का दर्शन हो सके। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते यहाँ पे, बोरिवली कल्याण थाना पनवेल। अब मुझे ही देख लो ना, पनवेल से नंगे पांव यहाँ तक चल के आया हूँ। क्या कहा? तुम पनवेल से यहाँ पे चल के आए हो? हाँ। तुम्हें देख के लगता नहीं बिल्कुल। बस सब इसी की कृपा है। वैसे मोहम्मद तुम मुसलमान हो फिर यहाँ पर दर्शन के लिए? सर ये वो मजमा है जहाँ पे मजहब जुबान प्रांत कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ एक ही मजहब चलता है, एक ही भाषा बोली जाती है सुनाई देती है, और वो है श्रद्धा और इस गणपति के प्रति पूरा विश्वास। सर मेरा तो ये मानना है कि इस मुंबई में, इस माया नगरी में जो कोई मेहनतकश इंसान आता है ना उसके ऊपर इसी का हाथ रहता है और हमेशा रहेगा। अरे शिंदे साहब। हाँ। राम राम। राम राम। अच्छा अपने बॉस है। अच्छा? जरा आप दर्शन करवा देंगे? चलिए साहब करवा देता हूँ। चलिए सर ये रख लो। लेकिन तुम भी तो चलो। नहीं नहीं वो ले जाएंगे, आप चलिए। आज मेरी मन्नत है ना तो मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा रहूँगा। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो भी आता इस नगरी में पाता है वरदान। परिजरे मगरे ते मारे मा बाबा बा रे बाबा नि जा 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 रे रे दे बाबा मा बाबा रे नि जा रे मा बा। जो भी आता इस नगरी में पाता है वरदान। रिद्धि सिद्धि समृद्धि से है उनकी पहचान। सदा महकती रहे सभी के मन की फुलवारी। सदा महकती रहे सभी के मन की। बचपन से तेरी कहानी सुनता है। बा कहती है कि तू इस संसार का सबसे बड़ा विघ्नहर्ता है। आज मैं तेरे दर पर आया अपने विघ्नहर्ता होने का अर्थ समझा दे।
लगता है परेशान हो। परेशान तो हूं, लेकिन आपने कैसे जाना? इस तीर्थ स्थान पर पहली बार आए हैं? नहीं, यहां पे मैं बचपन से आते रहा हूं। मेरे माता पिता यहाँ के परम भक्त हैं। अगर तुम्हारे माता पिता श्री सिद्धिविनायक के परम भक्त हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। छोटी सी प्रॉब्लम हुई घर में और फिर सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिखर गया। क्या हुआ बेटे? मेरी पत्नी और माँ बापू के बीच में कुछ अनबन हो गई। मेरे वृद्ध माँ बापू को बहुत कष्ट हुआ उस बात से, और वो मेरा घर छोड़कर अपने पुराने घर चले गए। नाराज होकर वो मेरे घर से चले तो गए, लेकिन उस दिन से मेरे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तुमने ठीक ही सोचा है। माँ बाप हमारे लिए वरदान होते हैं, तूफान में किनारा होते हैं। माँ का आंचल दुखों के जंगल में सर पर साया करता है, पिता का आशीष जीवन पथ को आगे बढ़ाता है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा आशीष और प्यार का खाता बंद हो चुका है। हर बवंडर को माता पिता अपने हथेलियों से रोक लेते हैं, बच्चों तक पहुंचने नहीं देते। बस यही गलती हुई। उसका नतीजा ये कि मेरे घर से सुख शांति गायब है और मेरे कारोबार से समृद्धि। बेटे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हें एहसास तो हुआ माँ बाप का महत्व क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है। बस यही प्रायश्चित ही काफी है। तुम जहां आए हो बेटे, दुनिया का सबसे बड़ा दरबार है। वो लोग साक्षी है जिन्हें देव के चमत्कार का आशीष मिला। बेटा, ये वो देव है जिन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श करके तीनों लोगों का भ्रमण किया था। ये वो देव है जो प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं। दुनिया के सारे लोग अगर माता पिता की पूजा करें तो किसी भी देवस्थान में जाने की जरूरत नहीं। अब तुम यहां से अपनी समस्या का निदान लेकर जाओ, विघ्न का समाधान लेकर जाओ। यही तो है विघ्नहर्ता। बेटे, इस दर पर अगर तुम्हारा विघ्न दूर नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। बस सिर्फ विश्वास रखो, उनकी आस्था रखो, धीरज रखो। महाराज, आपका परिचय? बेटे, परिचय भगवान का होता है, भक्तों का नहीं। मैं तो सिर्फ इस चौखट पर बैठकर भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं, ध्यान करता हूं। ये वृक्ष देख रहे हो? ओम गं गणपते नमः। ये कोई मामूली वृक्ष नहीं, ये देव वृक्ष है, ध्यान वृक्ष है, चिंतन वृक्ष है। जब रात को मंदिर बंद होता है तो मैं यहीं बैठकर श्री सिद्धिविनायक जी का मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं। ऐसा मेरा अनुभव है। रात में इसी वृक्ष से एक मंत्र का स्वर सुनाई देता है। वृक्ष से मंत्र का स्वर? हाँ, ओम गम गणपतये नमः। मैंने स्वयं अनुभव किया है। लेकिन ये तो मैंने पहली बार सुना है। तुम में आस्था जागी है तो एक बात और सुन लो। ये न प्रश्न है न उत्तर, एक अनुभव है, सत्य अनुभव। एक रात मैं गहरे ध्यान में था और मैंने स्वर्ग लोक का अद्भुत दृश्य देखा। नारायण नारायण। सुनो द्वारपाल। प्रणाम मुनिवर। इस समय द्वार क्यों बंद है? मुनिवर, भगवान गणेश ध्यान कर रहे हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश स्वयं किसके ध्यान में बैठे हैं? नारायण नारायण नारायण
प्रभु क्षमा प्रार्थी हूँ, इसे उत्सुकता से बिना अनुमति अंदर प्रवेश करने की चेष्टा की है मैंने। कृपया मुझे बता दीजिए भला भगवान गणेश किसका ध्यान कर रहे हैं ताकि मैं ब्रह्मांड को बता सकूं। आइए मुनिवर, स्वयं देख लीजिए। वैसे तो मेरा अस्तित्व सारे ब्रह्मांड में है। परंतु जो मुझे मन से याद करते हैं, श्रद्धा से पूजते हैं, उनके लिए मैं पृथ्वी पर सदा अवतरित रहता हूँ। विशेष कर यहाँ, यहाँ तो मेरे प्राण बसते हैं। यहाँ मेरे लाखों भक्त दिन और रात धूप और छांव की परवाह न करते हुए मेरे दर्शन को आते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने मेरे पास आते हैं। मुनिवर, यहाँ मैं इनके ध्यान में बैठता हूँ, इनका ध्यान रखने बैठता हूँ, इनके कर्म के अनुसार इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। हेलो हेलो राम, कल का सूरज तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएगा। पर एक मैकेनिक काम कर रहा था, आपने देखा उसे? साहब या तो कोई मैकेनिक नहीं, कमाले मेरी गाड़ी ठीक करके चला गया और अपने पैसे भी नहीं लेकर गया। फिर तो साहब एक ही मैकेनिक जो इस मंदिर के बीचों बीच बैठा है, वहीं बैठे बैठे वो सबकी जीवन की गाड़ी ठीक कर देता है साहब। फिर आपकी ये चार पहिए की गाड़ी हो या जीवन की गाड़ी। नमस्ते साहब। आज मैं समझ पाया हूँ कि बा और बापू सिद्धिविनायक को इतना क्यों मानते हैं। हेलो हेलो मेहता साहब, राव बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपको और भी डिस्टर्ब किया जी। नहीं नहीं राव साहब, बोलिए क्या क्या हुआ क्या? नहीं मेहता साहब, वो किडनैपर वालों का फोन आया था, उसने 1 करोड़ रुपया आज ही मांगा है, 500 के नोट और एक ही सूटकेस में। मेहता साहब, आई कैन गैदर 60 लाख रुपीज, अगर आप 40 लाख की मदद करेंगे, हमें संजय को बचाना है किसी भी हालत में, प्लीज। ये प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, पर आप एक काम कीजिए, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगा। ओके बापू। मानो मानो बेटे,
तू बोल रहा है? हाँ, अरे नलू, नलू इधर आ, इधर आ। शो थयो? मानो, मानो बोल रहा है। मानो? मानो बोल रहा है। हाँ, सुन। हेलो, हेलो। हेलो बाप। हाँ हाँ, मानो। अरे तुझे मेरी याद कैसी आ गई बेटा? तू कैसी है बाप? मैं कितनी खुश हूँ मैं क्या बताऊँ? तू कैसा है रे? मैं अच्छा हूँ। सिद्धि विनायक के दर्शन करके निकला तो तेरी याद आ गई। तो सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए गया था? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो, देखो तो। हेलो हेलो, मानो बेटा। हेलो, क्या हुआ? कट हो गया। कट हुआ? मेरा बेटा मनु है ना, उसका फोन था। तेरे ध्यान में एक बात आ रही छे। शू? अरे तेरे सिद्धि विनायक का आज व्रत पूरा हुआ। हाँ। और आज ही मनु का फोन आया, और वो भी सिद्धि विनायक मंदिर से। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। इसे सिद्धि विनायक की कृपा है। हाँ, उसने उसे बुद्धि दी मुझे फोन करने के लिए, है ना? जय सिद्धि विनायक। बा, मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ। गणेश की लीला अनकलनीय अतर्क्य है। हाँ, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ शक्ति होगी, और जहाँ शक्ति होगी वहाँ प्रचिति भी होगी। देखिए, जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो यही है। ये तो सिद्धि विनायक का चमत्कार ही है। हाँ। मैंने तो सिर्फ एक वर मांगा था, उसने तो मुझे वरदान ही दे दिया। हे प्रभु, ऐसे कई चमत्कार मैंने सुने हैं, देखे हैं, जिन चमत्कारों की वजह से मनुष्य को भी भगवान का रूप दिया जाता है, अनहोनी को होनी बना दिया जाता है। बरवे काका, ये सिद्धि विनायक को सिद्धि विनायक ही क्यों कहते हैं? सुनो, विनायक को सिद्धि विनायक क्यों कहा जाता है? यह बहुत पौराणिक और रोमांचक कथा है। एक दिन विष्णु के कान से मैल उत्पन्न हुआ। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ, इन दो राक्षसों ने विष्णु जी के साथ घमासान युद्ध किया, लेकिन वो दोनों राक्षस विष्णु जी पर भी भारी थे। उसके बाद विष्णु जी ने श्री शंकर जी की सलाह ली। उनकी सलाह के मुताबिक श्री विष्णु जी ने विनायक का षडाक्षर मंत्र जाप करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। बाद में मधु और कैटभ को उन्होंने कहा कि मैं आपकी युद्ध विद्या पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे वो वर मांग सकते हो। मधु और कैटभ दोनों ही बड़े अहंकारी थे। उन्होंने श्री विष्णु जी से कहा कि आप हमें क्या वरदान दोगे, आप मांगो आपको क्या चाहिए वो वरदान हम देंगे। मधु और कैटभ की ये बात सुनकर विष्णु जी ने निश्चय किया, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, मुझे आप दोनों के प्राण चाहिए। दोनों दैत्य थे लेकिन अपने तत्वों को मानने वाले थे। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप हमारे प्राण ले सकते हैं, लेकिन हमारा वध ऐसी जगह करें जहां जमीन भी ना हो और पानी भी ना हो। फिर विष्णु जी ने उन दोनों को अपनी जांघ पर रख लिया, जहां पानी भी नहीं था और जमीन भी नहीं थी, और उन दोनों का उसी जगह वध किया। मधु और कैटभ का वध करने की ये सिद्धि श्री विष्णु जी को जो प्राप्त हुई वो विनायक के मंत्र से हुई। तब से विनायक को श्री सिद्धि विनायक कहा जाता है। ये घटना महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर सिद्धटेक में हुई। वहीं सिद्धटेक में गणपति का एक पुराना मंदिर है, और उसी का प्रतिरूप मुंबई में प्रभादेवी में श्री सिद्धि विनायक है। ऐसी धारणा है कि श्री सिद्धि विनायक का इस जगह निरंतर वास्तव्य मुंबई वासियों के लिए एक साक्षात चमत्कार है, और उसी सिद्धि विनायक का दर्शन करने के लिए हमें आज मुंबई जाना है। अरे तो चलो, उठो, देख क्या रहे हो, चलो दर्शन करके रात को लौटकर आश्रम में भी तो आना है। हाँ, चलो चलो। अरे एक बात जानते हो आप? क्या?
हमारे शादी को आज बराबर 40 साल पूरे हुए। बापू बधाई हो बधाई। 40 साल। जीवन में जो भी आया उसी में आनंद माना। अब यही इच्छा है हम दोनों की, ये घर छोड़कर आप लोगों के साथ वृद्धाश्रम में रहें। बापू बर्वे, अरे अरे आप लोगों के सिवा अब हमारा है ही कौन? आपका जो बेटा है उसी का भी घर होगा। चलो चलो, क्या खाओगे फटाफट? उंधियो। उंधियो खाओ, मस्त हो जाओ। चलो खाओ खाओ। दादी वाओ लवली। हाँ बस खाना खाएंगे तो आपके हाथ का। दादी मुझे एक चम्मच चाहिए। एक चम्मच क्यों, दो चम्मच खाओ बच्चा। दादी खाली एक चम्मच चाहिए। खाली चम्मच? मजाक करता है हा? खाओ खाओ खाओ। दादी यू आर द कैप्टन कुक, अब बस इसके बाद और कोई नहीं। क्यों हाँ, आपकी मम्मी भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। हमारी मम्मी? हमारी मम्मी को तो टेस्ट ही नहीं है। मम्मी तो रेडीमेड पैकेट लाकर खाना बनाती है। आई हेट दैट। ऐसा नहीं कहते बच्चा, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना? चलो खाओ खाओ जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? आओ दिव्या बेटी, तुम भी खा लो ना। नहीं मुझे नहीं खाना। बाप किचन में क्यों जाती है? इतने सारे नौकर है ना ये सब करने के लिए, आप आराम करो। बेटा इनको बहुत पसंद है ना, इसलिए बनाया था। और मैं घर में बैठे बैठे क्या करूंगी, इसलिए किचन में जाती हूँ। मम्मी दादी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है, लो चखो। मुझे नहीं चखना, मैं सही कह रही हूँ ना बाप, आराम करें ना प्लीज। इतना सारा तेल डाला आपने, बच्चे बीमार हो जाएंगे। दिव्या ये क्या कह रही हो तुम, क्यों खामखा गुस्सा कर रही हो तुम इस पर? बापू आपसे नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप लोग आराम करें, पूजा करें, आपके आराम करने के दिन है। बच्चे बिगड़ रहे हैं ऐसे, आप अस्थमा, आपको कुछ हो गया कल को तो मुसीबत होगी। यू डोंट अंडरस्टैंड। क्या कह रही है? हेलो 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 हेलो, ठीक है ना बापू? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मनु की याद आई है, और जब भी कभी मनु की याद आती है ना तो ये बैठे बैठे खो जाती है। मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, आप खाएंगे ना? हाँ प्रसाद समझकर खाएंगे। अरे बातों बातों में मैं तो आपको प्रसाद देना ही भूल गई। लाओ लीजिए, मैं अभी आई। लो लो। जय श्री सिद्धिविनायक। क्या हुआ बापू? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बापू, ये खुशी के आंसू नहीं है, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे, बोल बापू। अरे बर्वे बर्वे, तुझसे क्या छुपाना रे, तू तो सब कुछ जानता है। बापू 6 महीने पहले मानव से यहाँ दूर हम आ गए, ये सोच करके रिश्ते दूर से ही निभाएंगे। रिश्ते एक तरफ से तो नहीं निभाए जा सकते ना बापू, नहीं निभाए जा सकते। जाने दो। अब मैं सोचता हूं कि ये मेरा घर, हमारी सारी प्रॉपर्टी, हम
हम वृद्धाश्रम को दान करते हैं बापू, और आप लोगों के साथ वृद्धाश्रम में ही रहे। हाँ, और दोस्त तू भी तो यहाँ रहता है। हाँ बापू, चलो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ बापू, हाँ नई जिंदगी। हाँ हाँ, सिद्धिविनायक जय। सिद्धिविनायक। माता पिता की सेवा से ही फलती है हर पूजा। पिता की सेवा से ही फलती है हर पूजा। इन दोनों से बढ़कर कोई जग में और न दूजा। ये संदेशा देते हमको सुख मंगलकारी, ये संदेशा देते हमको सुख मंगलकारी। कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी। मैं तो सोच, मैं तो सोच, हमारी मांगे पूरी करो। मैं तो सोच, मैं तो सोच, मैं तो सोच, मैं तो सोच, हमारी मांगे पूरी करो। मैं तो सोच, हमारी मांगे पूरी करो। देखते हैं साहब, मेहता साहब आ गए। ये सिद्धि विनायक का प्रसाद है। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। आप लोगों को जो भी बातें करनी है मेरे दफ्तर में आके करिए। आइए ऊपर आइए। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। कब? अरे तुम लोग सो रहे थे क्या? साहब, मेहता साहब आ गए। होल्कर, तुम लोग एक काम करो, तुम निकलो आगे, मैं मिलता हूं बाद में। ठीक है, चले निकलो। बेवकूफ लोग, अब कान खोलकर सुन लो। तुम सब लोग अपने अपने गांव चले जाओ। और सुनो, अगर मुझे यहां नजर आए ना तो समझ जाना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राम, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। यार ये फाइल पूरा किया क्या? जेपी माने साहब का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए? पता नहीं, लेकिन सवेरे तो कह रहे थे कि आज मेहता साहब को सबक सिखा कर रहेंगे, लेकिन जैसे ही मेहता साहब आए तो कहने लगे आप लोग आगे जाओ और मेहता साहब को मिल लो। देखो जेपी, तुम तो सिलवासा की पोजीशन जानते होगे। आप वाड़ा की, आप दहानू की, और मैं खोपोली की। माने साहब हमारी 6 के 6 फैक्ट्रियों के लीडर हैं, और जब आज फाइनल डिसीजन होने वाला है तो वो नहीं है। मुझे लगता है हमें ही कुछ डिसीजन लेना होगा। हाँ हाँ, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि खोपोली की फैक्ट्री जल्द से जल्द शुरू हो जाए, भले ही हमारी डिमांड्स में से आधा ही क्यों ना मिले। आप सबको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है सलवे साहब कि माने साहब की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी। हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ साली साहब, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है, रामनाथन साहब ने जो नया प्रपोजल मुझे भेजा है मुझे मंजूर है। शर्तें करीब करीब सारी मंजूर है। उसमें से एरियर्स का 50% कैश में दे रहे हैं और 50% PF में जमा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। हमें भी मंजूर है। तो ठीक है। हेलो सालवी साहब, कैसे हो? बस आपकी मेहरबानी। और कुलकर्णी साहब बैठो। थैंक यू।
थैंक यू। और सब ठीक है? ठीक है। देखिए मैडम, वो बीना जी आई है, हॉल में बैठी है, क्या करूं? क्या करूं क्या, यहीं भेज दे। यहीं पे भेज दो। ठीक है मैडम, वहां बैठी है। दिव्या, बीना, ओह माय गॉड, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कितनी बदल गई हो, तुमने क्या किया? सो सिंपल, संन्यास लिया क्या? अरे नहीं, जीवन हालात बदल देता है तो बस बदलना पड़ता है। तू सुना, मानव कैसा है, बच्चे कैसे? सब ठीक है। बस सब ठीक है? तू कुछ छुपा रही, बता ना। क्या बिना, कुछ भी ठीक नहीं है। मानव का कारोबार मतलब ना के बराबर है, बच्चों की कंप्लेंट्स आती रहती है, मैं इन सब चीजों से चिढ़ जाती हूँ, नथिंग इज गोइंग राइट। खैर जाने दे। और बाहर बापू, वो भी नजर नहीं आ रहे? वो अपने पुराने घर चले गए। क्यों? कहा ना, जब मुसीबतें आती हैं तो धुआं हर तरफ से उठता है। पर कोई वजह तो होगी ना? बस थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, नाराज हो गए और अपने पुराने घर चले गए। पगली, ये माता पिता बुजुर्ग लोग बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें बड़े प्यार से संभालना होता है दिव्या। और अगर ये है घर में तो ही घर की बरकत है, समझी? जानती हूँ बीना, लेकिन जो कर सकी किया, चले गए तो क्या कर सकते हो। खैर तू अपनी सुना। नहीं, दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए लेकिन माँ बाप के पैरों तले ही स्वर्ग है, ये बात पहले भी सच थी और आज भी सच है। मुझे लगता है जैसे बार बापू इस घर की खुशियों के पहरेदार थे, अब पहरेदार चले गए तो दुखों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। भगवान की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता दुनिया में। पर तुमको भगवान में आस्था, इतना बड़ा चेंज कहां से आया? सुनील की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। गीता को पालना कितना मुश्किल था, क्या कहूं। लेकिन ऑफिस रोज जाना पड़ता था। जब मैं ऑफिस जाती तो प्रभा देवी जब क्रॉस करती थी तो सिद्धिविनायक को देखती और सोचती हूँ, माय गॉड, ये लोग कितनी लंबी लाइन में कितने घंटों खड़े रहते हैं। और क्या है ये भगवान और क्या है ये सिद्धिविनायक का सच, हैरान हो जाती थी मैं। और रोज रोज हंसती थी मैं इन लोगों पर। लेकिन एक दिन दिव्या, मेरा दुर्भाग्य मुझ पर हंसने लगा। क्या मतलब? एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी तभी बाई का फोन आया कि गीता की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जा। मैं किसी भी तरह करके घर पहुंची तो उसे अस्पताल ले जाने की नौबत तक आ गई थी। मैंने उसे किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, कोई कहता है विटामिन की कमी है, कोई कहता है प्रोटीन की कमी है, इस अस्पताल में दिखाया तो डिप्रेशन है, कोई इलाज नहीं, कोई होप नहीं। दिव्या, सुनील की डेथ के बाद तो वैसे ही टूट गई थी, लेकिन अब अगर गीता भी मुझसे छिन गई तो अपने भाग्य का खेल देख देख कर मैं हैरान होती रही, कभी इधर कभी उधर। एक दिन यही सब सोचते हुए मैं अपने ऑफिस जा रही थी तभी अचानक सिद्धिविनायक के सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुक गई। फिर मेरे कानों में एक आवाज सी गूंजी कि बेटा मेरे मंदिर में आ, शीश झुका, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरे पैरों में जैसे बिजली के पंख लग गए हो, मैं भागी गाड़ी छोड़कर, मंदिर के अंदर गई। वहां मूर्ति के सामने मैं बिलक बिलक कर रोई। महीनों से जो मेरे अंदर मैंने भरा हुआ था मैंने निकाला और भगवान से कहा कि इतने अरसे से मैं तेरे मंदिर के सामने से गुजरती हूँ, आज तक मैं तेरे डर पर नहीं आई, मैंने कभी तुझे पूजा नहीं, तेरी प्रार्थना नहीं की, लेकिन आज मेरी बच्ची की जिंदगी के लिए मैं तेरे सामने झुककर तुझसे भीख मांग रही हूं।
मुझे किसी ने बताया कि 5 मंगलवार का व्रत रखने से भगवान वरदान देता है। मैंने 5 मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया। फिर कुछ कृपा हुई? 2 मंगलवार, बस 2 मंगलवार के बाद गीता ठीक हो गई। जो दवा नहीं कर पाई, कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, वो मेरी प्रार्थना ने कर दिया। दी मेरा जीवन तब से बिल्कुल बदल गया दिव्या, बिल्कुल। अब मैं समझी, तो इतना कैसे बदल गई? ये तो सचमुच चमत्कार ही है। तब से मैं सिद्धिविनायक की अनन्य भक्त बन गई हूँ। रोज ऑफिस जाती हूँ, लेकिन उससे पहले शीश झुकाती हूँ। मेरी गीता की जिंदगी सिद्धिविनायक का वरदान है। अब गीता कैसी? एकदम हस्ती खेलती, जैसे नया जीवन मिल गया हो। भगवान गणेश में बहुत शक्ति है, मेरे दिल से पूछ। और सुन, जब गीता ठीक हो गई थी ना, मैंने एक प्रण लिया था कि मैं 21 घरों में सिद्धि विनायक की मूर्ति और प्रसाद बांटूंगी। और तेरा घर पहला घर है, इसमें प्रसाद भी है और गणेश जी की मूर्ति भी। मेरी बात मान, तू गणेश भगवान की प्रार्थना कर दिल से, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कहते हैं जहाँ भगवान गणेश रहते हैं, वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। सच? सच बीना, ये किसी और के मुंह से सुना होता ना, तो विश्वास नहीं होता। पर तू कह रही, तो विश्वास हो रहा है। तुझे विश्वास भी करना होगा, और एक वादा भी। कुछ भी करके तू बा बाऊजी को समझा बुझा कर वापिस लाएगी। हाँ, माता पिता का जो आदर करता है ना, उस पर भगवान गणेश की बहुत कृपा होती है। तू माता पिता को पूज या भगवान गणेश को, पुण्य एक समान है। अच्छा सुन, अब मुझे जाना है। हाँ, ओके। एक्चुअली यू राइट पिन, सही कह रही हो। गलती हो गई मुझसे, बाबूजी का बहुत दिल दुखा है। कोशिश करूंगी सुधार सको। गुड, चल गीता मेरा वेट कर रही होगी। हाँ, बाय। मुझे भी जाना है, बच्चों की काउंसलिंग है। बट लिसन, थैंक यू, तुम्हारी श्रद्धा ने मेरी आंखें खोल दी, रियली। बाय, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। नमस्ते सालवी साहब, हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। प्लीज बैठिए, बैठिए। थैंक यू। सालवी साहब, मिस्टर रामनाथन ने आपसे बात की होगी। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मुझे आपकी सारी डिमांड्स मंजूर हैं, लेकिन मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। जी सर, बताइए। देखिए सालवी साहब, जो बात मैंने माने साहब से की थी, वही मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री सारी की सारी इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है सर, कल से हम सभी फैक्ट्रीज में काम शुरू करें। नहीं, कल नहीं, आज अभी से शुरू होनी चाहिए। अभी? आपके सारे ड्यूज हैं, उसमें से 50% मैं आज ही रिलीज करवा दूंगा और 50% मैं पीएफ अकाउंट में जमा करवा दूंगा। इज इट ओके? ठीक है सर, मंजूर है सर। ऑलराइट, अब माने से क्या कहना है, उसे कैसे समझाना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। हम आपके साथ हैं साहब, मैं अभी सबको ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है, तो हम अभी एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब आप लोग आए हैं तो जरा खाना वाना खा के जाइएगा। ओके जी, ओके। अब तो ठीक है ना? हाँ सब। जो बात 6 महीनों से नहीं हो रही थी, वो 2 मिनट में हो गई। ये कैसा चमत्कार है? ओम नम गणपतये नमः। जय श्री सिद्धि। ओम नम गणपतये नमः।
प्रणव। Hi dear, how are you? You're sounding very excited. भाई बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? पिछले 6 महीनों से जो सारे काम अटके हुए थे ना, वो आज पूरे हो गए हैं। मतलब? आज मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था, and you know what? हमारी 6 की 6 फैक्ट्री शुरू हो गई हैं, वर्कर्स काम पर वापस आ गए हैं, I am very excited. तुम मानोगे नहीं मानव, अभी बीना आई थी, सिद्धिविनायक का प्रसाद देखी गई है पता है? और मैंने अभी उसकी देवी मूर्ति की स्थापना की है। और तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, हड़ताल खत्म। Oh God, can't believe this. I can't believe it too. Hey, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ, I'll call you later, okay? Okay. विघ्नहर्ता, आपने अपने दया के द्वार खोलकर हमारे घर में खुशियों की बौछार कर दी। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। Now what, Malini? Great sir, great! आपको मेरा नाम बराबर याद आया सर। वैसे आप मुझे मालू भी कह सकते हैं सर। जी नहीं, मालिनी ठीक है। ओके, अब बताओ काम क्या है? सर, आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है सर। आप कुछ तो खा लीजिए सर प्लीज। मैं मंदिर गया था। मैंने वहाँ पे प्रसाद खा लिया है। ओके, भूख नहीं है। नहीं सर, लेकिन थोड़ा तो खा लीजिए ना सर, प्लीज प्लीज। ऐसा मत कहो सर, प्लीज आप थोड़ा सा तो खा लीजिए सर। मैंने आपके लिए ना थाली पीट लाया है सर। क्या? थाली पीट। थाली क्या? थाली पीट सर। सर आपको थाली पीट मालूम नहीं है? ओ गॉड सर, ये हमारे मराठी में बहुत प्रसिद्ध फूड है सर। वैसे ना ऐसे थाप थाप के बनाते हैं सर, वो थाली में ना पीट डालने का, उसको थाली पीट नहीं कहते। ये अलग थाली पीट है, ऐसा बनाने का। खाओ ना सर प्लीज। तुमने बनाया है? नहीं सर, मेरे मिस्टर ने बनाया है सर। मिस्टर यानी कि तुम्हारे हस्बैंड? हाँ सर। शादी को 8-10 दिन हुए नहीं और तुमने उनको काम पे लगा दिए? मैंने नहीं सर, मैंने काम पे नहीं लगाया, उनका ये काम ही है। यू मीन टू से वो आचार्य? आचार्य, आचार्य क्या? वो कुक, कुक, कुक। किसी होटल रेस्टोरेंट? ग्रैंड मराठा। वाओ, तो फिर तो शेफ हुए ना? हाँ, वो एकदम सेफ है सर। अब खाइए ना सर, प्लीज खाइए ना सर, ये बहुत गरम गरम अच्छा लगता है सर। वो एक्चुअली क्या है, बहुत सिंपल है सर। वो क्या है, पीठ है ना पीठ, उसमें गरम पानी डालने का, फिर ऐसा ऐसा मलने का, फिर ऐसा थोड़ा सा टुकड़ा लेने का, फिर ऐसा जोर जोर से, फिर तवे पे डालने का, फिर ऐसे बाजू से ना पानी ऐसा ऐसा गरम पानी ऐसा डालने का, फिर ऐसा आवाज आता है सर। एक और ले सकता हूँ? प्लीज सर, प्लीज प्लीज खाइए ना सर। बहुत अच्छा। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मे आई कम इन सर? कम इन। हिमा जी, आपके हस्बैंड आए हैं। मेरे हस्बैंड आए सर। सर मैं जाऊं सर प्लीज? नहीं, उनको अंदर भेजो। लेट मी मीट हिम। यस सर। बैकिंग के गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता। अयो मालिनी, तुम मेरे को फोन करके बताने वाली क्या कर रही? श्रीकांत, टी श्रीकांत फ्रॉम त्रिशूर कड़ियावाड़ी। वेलकम मिस्टर श्रीकांत, प्लीज बैठिए। बैठे। आई एम सॉरी, मैं आपकी शादी पे नहीं आ पाया। कांग्रेचुलेशंस। ओके सर, ओके, चलते हैं। वन थिंग आई मस्ट से, आपका ये थाली चीट, क्या थाली? थाली पीट। इट्स फैंटास्टिक, इट्स सुपर्ब, रियली। ये थाली पीट एकदम हिट सर। काली पेट थाली पीट एकदम परफेक्ट फिट। यू लाइक इट सर? ऑफ कोर्स, इट्स वंडरफुल रियली सर। देन यू डेफिनेटली लाइक वन मोर डिश सर। दिस इज वन ऑफ फेवरेट ऑफ माइन, आवर ट्रेडिशनल डिश। मैंने मेरी स्वीट हार्ट के लिए बनाया था, मालिनी के लिए। लेकिन यू कैन टेस्ट इट सर। देखिए, मुझे एक्चुअली भूख नहीं है, इट्स ओके सर। एक्चुअली दैट इज थाली पीट, दिस इज बॉम्ब पुट्टा। ये बॉम्ब पुट्टा आप खाली टेस्ट करो सर। टेस्ट मार, टेस्ट मार। खाइए ना सर प्लीज। प्लीज सर खाइए ना सर। बहुत अच्छा है ये, इतना अच्छा है ना सर, आप उठेंगे ही नहीं। खाइए ना सर, आप खाइए प्लीज। सर मैं आपको बताता है, आप 3 घंटे तक इसको टेस्ट करके उंगली चाटते रहेंगे सर।
ये बाम्बू के अंदर का। ये बाम्बू के अंदर? ये इसको आप टेस्ट करो सर, इट्स अ बाम्बू पुट्टा। खाइए सर, वेरी टेस्टफुल डिश। खाइए 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 खाइए। दिस इज वंडरफुल, रियली गुड। शंकर। हाँ साहब। इस बैग को गाड़ी में रख दो। जी साहब। अजीत, मैं तुम्हारा मेंटल प्रेशर समझ सकती हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। क्यों ना हम सिद्धिविनायक मंदिर होते चले? उसे क्या होगा? तुम चलो तो सही, तुम्हें सिद्धिविनायक भगवान पे भरोसा रखना ही होगा। देखो समस्या टल भी सकती है। सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा सलीम शॉट डेड इन पुलिस एनकाउंटर टुडे नियर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स एट 3 PM। सोनम, आई कांट बिलीव दिस। सोनम चलो। सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, सिद्धि विनायक अति सुखदायक सबके हितकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी, कष्ट निवारे पार उतारे ऐसे उपकारी। सुनो, अब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना? नहीं। तो आप मानव को फोन कर लो। मानव को? मुझे शर्म आती है ऐसे फोन करने में। लेकिन लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, ऑफिस में फोन करके मेल करने को कहता हूँ। अच्छा ठीक है। जय श्री सिद्धि विनायक। जय श्री सिद्धि विनायक। चलो। भाभी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बराबर है, विश्वास रखिए, संजय साहब को कुछ नहीं होगा। भाभी जी, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट, ओके? पापा डोंट वरी। थैंक यू सर। संजय विल बी बैक विद अस सून, ओके? भाभी जी, मैं आता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? बाद में फोन करो भाई, अभी हम जरा काम में हैं। हाँ नवलकर बोलो। क्या 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 बात है? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कब कैसे? नहीं 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 नहीं, घर में नहीं, हम मैं और संजना मेहता साहब के ऑफिस में है। हाँ 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 हाँ, इधर आ जाना। अब क्या हुआ? हे सिद्धि विनायक। अब क्या हुआ बेटा? क्या हुआ अब बेटा? क्या हुआ बेटा? अपना संजय आ रहा है इधर ऑफिस में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो, यह खुशखबरी पहले मेहता साहब को सुनाते हैं। चलो चलो, सिद्धि विनायक मेहता साहब। जय गणेश। मानो साहब, संजय का पता चल गया, इट्स ए सरप्राइज। अरे आप बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। क्या बात है? हाँ सर, इसलिए मैं आपसे पहले मिलने को आया जी। इतने इमीडिएटली आपने पैसों का अरेंजमेंट किया, ये उपकार कभी भी भूल नहीं पाएंगे जी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, संजय मेरे दोस्त की तरह है। एनीवे वो है कहाँ? हमारा एक जस्ट ऑफ फ्रेंड है, उनके साथ वो यहाँ आ रहा है। इट्स अ मिरेकल। यू राइट, इट इज अ मिरेकल। अब वो वहाँ पे पहुँचा कैसे? वो तो आपको वही बताएगा आकर। वो लोग सर आ रहे हैं। सर संजय साहब आए हैं। लो आ भी गया वो। बुलाओ जल्दी, बुलाओ जल्दी। जी सर।
सकता। अरे यार मुझसे भी गले मिल। हाँ तो आज हमने एफिडेविट फाइल कर दिया है और अगली डेट हमें जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है साहब, वो जैन साहब ने मुझे भेजा था, वो पूछ रहे थे कि कोर्ट की अगली तारीख कब है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या करना है। ठीक है, मैं उसको बात करके बता दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अबे ओ संजू बाबा, कोर्ट में बहुत बकबक कर रहा था, हाँ? अब फोन पे बकबक कर, चल घर वालों से बात कर, चल। देखिए मुझे, चल जल्दी कर, प्लीज मुझे पानी चाहिए। अरे क्या देख रहा है, पानी देना। ले ले पानी, ले पानी चाहिए। संजू बाबा। अरे वो नहीं उठेगा अभी, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी मैंने। अरे क्या, अरे 4 घंटे नहीं उठेगा अभी वो। संजू बाबा, अरे तू संजू, अरे वो नहीं बोलेगा। ए उठ संजू, संजू बाबा। ए चल बात कर। ए उठ, उठ गया। चल जाने दे, नागपुर आने तक देखते। हाँ अबे गाड़ी क्यों रोक रहा है? ये बहुत हो गया रे, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरी रात भर ड्राइविंग किया है मैंने। ए 2 घंटे के लिए मुझे सोने दो यार, तुम भी सो जाओ, मैं थक गया हूँ यार। अरे पानी कम है रे। अरे हाँ, अरे नागपुर फाटक तक जाना है यार, नजीक है यहाँ से। चल 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 गाड़ी चला चल। ए नहीं बोला ना यार, जाओ तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। ए चलो जाने दो इसको, सोने दो इसको, चलो। हाँ चलो, इसके बाप को फोन कर दे। चलो 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 उतरो। बहुत है पर उससे कहीं गुना ज्यादा भरोसा तुझ पे है। हे देवा, मेरे सुहाग की रक्षा करना। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया, श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया, श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। हेलो, हम बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक बात सुनो, इसको 1 करोड़ रुपया 500 के नोट के बंडल बना के एक बैग में भेजो, ठीक? रात 8 बजे फोन करेंगे। संजय के किडनैप पर बैठो ना साहब। बोलो साहब, किधर जाना है? थोड़ा पानी पिला। हाँ लो ना साहब, ये लो। अरे कौन इतनी जल्दी जल्दी पी रहे हैं साहब, आराम से। भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ। नागपुर में है साहब। बोलो किधर जाने गए, बोलो। कहाँ ले चलोगे? ना तो मेरे पास पैसे है, ना मोबाइल। प्लीज मुझे किसी एसटीडी बूथ के पास ले चलो, मैं घर पे फोन करता हूँ। और हाँ, अगर कुछ 50 रुपए हो तो दे दो, मैं घर से मंगवा के दे दूंगा, प्लीज। अरे हाँ साहब, फिक्र नहीं करो, चलो। साहब इधर एक टेलीफोन बूथ दिख रहा है, रोक दूं क्या? हाँ हाँ रोक दो। जाओ साहब, टेलीफोन करो। वो पैसे? हाँ पैसे।
जज साहब, अरे ये तो मेरे पहचान के हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं। अरे भाई साहब, आप तो मुझे बिल्कुल सही जगह पे लेके आए। आप कौन हो, आपका नाम क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन मेरे लिए आप भगवान हो। कोई बात नहीं, चलो आओ उनको मिलते। हाँ जी, चलो। ये कैसा योग है, इसे आप योग कहिए या संजय की किस्मत? वो रिक्शा वाला डायरेक्ट इसको मेरे घर पे छोड़ गया। इसे मैंने कुछ दवाइयां दी है। मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था पर घर और सेलफोन दोनों बिजी थे। एयरपोर्ट पे फोन किया तो पता चला कि 20 मिनट के अंदर मुंबई की फ्लाइट है। चेक इन किया और यहां आ गए। नवलकर, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। नवलकर, ये मेरे संजय का दूसरा जन्म है। मेरी बेटी बिना खाए पिए दिन रात सिद्धिविनायक का जप कर रही थी, उसका ही फल है। मेहता साहब, अब हम घर चलते हैं। Sure. You've gone through a lot. Please. मेहता साहब, थैंक यू वंस अगेन। अरे थैंक यू किस बात का, हमने क्या किया है? सही कहा, सब कुछ ऊपर वाला करता है साहब। बस थैंक यू, थैंक यू। चल बेटी संजना, चलो चलो बेटा। जय सिद्धिविनायक। हे सिद्धिविनायक, तेरी लीला अपरंपार है। तू कब, कहां और किस रूप में मदद करेगा कोई नहीं जानता। सर प्लीज कम, प्लीज प्लीज। सर, मीरचंदानी का एक ईमेल आया है। अपना 5 करोड़ का ऑर्डर उसने रीइश्यू किया है। यस सर। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी गुड न्यूज, दैट्स एक्सेलेंट न्यूज। सर सर, अभी फोन पर एक और अच्छी खबर आई है कि सभी 6 की 6 फैक्ट्रियों में काम भी शुरू हुआ है। यस यस यस, फाइनली। ये प्रॉब्लम मुझे इतना टेंस कर रही थी, थैंक गॉड। सर, ये नेपच्यून और एमएम की रिपोर्ट्स है। सर सर, आपने देखी है रिपोर्ट्स? यस सर। ओके, मैं इनमें 2 पॉइंट्स और ऐड करने वाला हूँ। हाँ, उसके बाद इनको प्रिंट कर देना। ओके श्योर सर, थैंक यू, आई विल मेल दैट टू यू। या चलिए जी। हेलो, मैम सर हैं? या वन सेक सर। मिस्टर दीपक आए, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, भेजो उनको। ओके या ओके। दीपक आओ, कम 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 बैठो। थैंक यू सर। दीपक तुम अपने आप ही आ गए, क्या बात है? हाँ सर, आप सुबह बड़े गुस्से में थे और मैं भी बड़ा टेंशन में था, इसलिए आपको कुछ बता नहीं सका। शायद बोलते समय मेरी कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम भी सिली, एक्चुअली गलती मेरी, मैं आई एम सॉरी। ओके नहीं सर। तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं पहले ये बता मुझे। अब अच्छे हैं सर, अब वो कोमा से बाहर आ गए हैं और उनकी जान का खतरा भी टल गया है, इसीलिए मैं वहां से निकल सका सर। दैट्स वेरी गुड न्यूज, लेकिन ऐसी कौन सी दवा दी डॉक्टर ने के? दवा से नहीं सर, दुआ से कहिए। सर आपका फोन आने के बाद मैं बेचैन सा हो गया था और पिताजी तो वेंटिलेटर्स पर ही जी रहे थे। श्री गजानन, जय गजानन, श्री सिद्धिविनायक, श्री गजानन, जय गजानन, श्री सिद्धिविनायक, श्री गजानन, जय गजानन, सिद्धिविनायक मोरया, 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 श्री गजानन जय गजानन सिद्धिविनायक मोरया।
डॉक्टर, डॉक्टर। ये देखिए। क्या बात है मिस्टर दीपक? It's unbelievable, Mr. Deepak. अब क्यों सर? ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसका मतलब जानते हैं आप? आपके पिताजी हमारे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, विल पावर भी कभी काम करती है। सर, आपसे पहले एक डॉक्टर आके गए। What? हाँ सर, उन्होंने पता नहीं क्या किया, उन्होंने पिताजी को चेक किया और उनके सारे शरीर पर से एक बार हाथ फेर कर वो चले गए। तब से वो मशीन पर कुछ आने लगा है सर। Impossible. ये कैसे हो सकता है मिस्टर दीपक? मेरे बगैर यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन है ही नहीं। सर मैं सच कह रहा हूँ, जब वो चेक कर रहे थे तब मैं यहीं पर था। Are you sure? Yes, sir. अच्छा, कैसे थे वो डॉक्टर? एटलीस्ट नाम तो बता सकते हैं? नाम तो पूछा नहीं, लेकिन गोरा रंग था, फ्रेंच कट दाढ़ी, हाँ उनके आंखों पर चश्मा था, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी थी उनकी, मानो कोई योगी पुरुष हो। गोरा रंग, फ्रेंच कट, दाढ़ी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर दीपक, आप जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसा कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। क्या? खैर, मुझे तो ये सब चमत्कार ही लग रहा है, और एक डॉक्टर होते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है। अब मेरी माँ वहां पर रुकी है, इसलिए मैं आ सका। तुम घर जाओ आराम से अपनी फैमिली के पास, और कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे कहो। नहीं सर, वो भी चिंता सिद्धि विनायक ने दूर कर दी है। वो कैसे? 20 दिन पहले पिताजी की बाईपास हुई थी और उसका खर्चा करीब 1.5 लाख आने वाला था, और हमने सिद्धि विनायक ट्रस्ट में एप्लीकेशन कर दिया। सर ये जो ट्रस्ट है ना, काफी मेडिकल हेल्प भी करता है, और सर बहुत जल्द ट्रस्ट का खुद का हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। हाँ, जो संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसके प्रति। नहीं? यस सर। मुझे लगता है हमें डोनेशन देना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम कल सुबह यहाँ पर आओ, 11 लाख का एक चेक बनाओ डोनेशन का, और तुम खुद ही जाकर देकर आओ उन्हें। ओके सर, कल हम सब घर के लोग हैं ना, सिद्धि विनायक जा रहे हैं। मैं चलता हूँ सर। कैरी ऑन। ठीक है सर, थैंक यू। हे सिद्धि विनायक, तेरे चमत्कार कदम कदम पर देखने को मिल रहे हैं। यस मैडम। इनकी मम्मी को बुलाना। आपको बुलाया है। हाय। हेलो, प्लीज बी सीटेड। हाउ इज माय डॉटर डूइंग? वेरी गुड। दिव्या जी, नेत्रा मेरी फेवरेट स्टूडेंट है ना नेत्रा? लेकिन उतनी ही शरारती भी है, पर शरारत तब करनी चाहिए जब उसका समय हो, ठीक है? अब तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। यस मैम। दिव्या जी, नेत्रा के डैडी भी यहाँ होते तो अच्छा होता। आई नो, पर अच्छा ये बताइए, नेत्रा का घर में बिहेवियर कैसा है? आजकल बड़ी चुप रहती है और थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया है, रियली डोंट नो व्हाई। अच्छा, ये बिहेवियर कब से है? शायद पिछले कुछ महीनों से हुआ है ऐसा। शायद? दिव्या जी, एक और बात, मेट्रो लाइफ में करियर या बिजनेस के पीछे भागते भागते पेरेंट्स से ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियर फैमिली से ऊपर उठकर बड़ा या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हो तो माहौल बेहतर हो सकता है। ओके दिव्या जी, वी विल कंटिन्यू दिस एंड विल मीट आफ्टर 4 वीक्स। राइट मैम, थैंक्स वेरी मच। Thank you.
आज मैं तुम्हारे लिए कुछ चटपटा बनाती हूँ, हाँ जैसा दादी बनाती है ना, चटपटा सा पैकेट सब फेंक दे, ठीक है? आज से मम्मी और नेत्रा साथ में कुकिंग करेंगे। So sweet, mom. आज से कोई मीटिंग्स नहीं होगी, हम लोग दोनों खूब मस्ती करेंगे। सर, वो मीरचंदानी का 5 करोड़ का काम था ना ऑर्डर का, वो काम शुरू किया है सर। सर कोपोली की फैक्ट्री में वो रिजेक्टेड पीसेस है ना, उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है सर। सर नासिक, डहाणू, सिलवासा, वो सभी फैक्ट्रीज में काम शुरू हुआ है सर। और जो एडवोकेट संजय के यहाँ के लिए हमने जो वो 40 लाख विड्रॉ किए थे ना सर, वो हमने वर्कर्स के पीएफ अकाउंट में डाल दिए है सर। नेपच्यून एंड एमएम इंडस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट्स का काम प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है सर। सुबह से आप कितने टेंशन में थे ना सर, लेकिन आज सारे काम निपट गए। हाँ, कितना कुछ अच्छा हुआ है आज के दिन में सर। सर मैं फिर से बताऊं सब, बताऊं? नहीं नहीं। सर फिर आप आज खुश क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक काम नहीं हुआ। तुम्हें पता है आज बा और बापू की वेडिंग एनिवर्सरी है, 40th। और मैं यहाँ पर हूँ, मैं उनको अभी मिलने जा रहा हूँ। ये काम नहीं होता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जी जी बोल रही हूँ। जी किधर? इज एवरीथिंग ओके? या वे जस्ट कमिंग, अभी अभी आ रहे थे। हेलो मानव। हेलो, हाँ क्या हुआ? मानव तुम कहाँ हो इस वक्त? अरे मानव सूरज की बस का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज तुम जल्दी पहुंचो। क्या कहाँ? पनवेल गार्डन के पास, मैं नेत्रा के स्कूल में आई हूँ। आई एम जस्ट रीचिंग विद नेत्रा। मैं वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। हाँ प्लीज। क्या हुआ? ओके पनवेल चलोगे? भगवान मेरे बच्चे को बचा, सिद्धि विनायक सूरज को बचा। ओम गंगड़ बताए ना, ओम गंगड़ बताए ना। सुपरमैन ने जंप मारी होगी। बाय सूरज, मिलेंगे। बाय बाय बाय। तुम्हारे सब दोस्त ठीक है ना? हाँ। वो देख लो, आ गया हमारा सुपरमैन। सूरज बेटा कैसा है तू? ठीक हूँ। लगी तो नहीं? नहीं। थैंक गॉड। बच्चे सब ठीक है, सिर्फ ड्राइवर को चोट आई है, उसे हॉस्पिटल ले गए। ओह, इज गुड। हे, डरा दिया था तूने मुझे। चल भैया को गाड़ी में बिठा। जो भी अब तक होता है उसके लिए। आई डिडंट रियलाइज कि इस दौड़ भाग में हम एक दूसरे से कितना दूर चले गए।
मैंने आज तुमसे कहा कि द प्रॉब्लम इज नॉट योर बिजनेस, प्रॉब्लम तुम खुद हो. आई एम वेरी सॉरी. In fact, I think that's our problem. हम एक दूसरे को सुनना समझना भूल ही गए. मैं कोशिश करूंगी जो अब तक हुआ है वो कल से ना हो. कल से क्यों, अभी से ना हो. मैं भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया काफी दिनों से. आई एम सॉरी टू फिर. चलो आप चले यहां से. शुक्र है भगवान का, सूरज को कुछ नहीं हुआ. अब पता चला भगवान की कितनी कृपा है. जब से हम भगवान की तरफ मुड़े हैं हमारे सारे रास्ते खुल गए हैं. नहीं चलो सिद्धि विनायक मंदिर चलते हैं भगवान का धन्यवाद करने. जिसने हम पर और हमारे परिवार पे इतनी कृपा की है उसके दरबार में तो जाना ही. पहले सिद्धि विनायक मंदिर चलेंगे फिर बाबा बाबूजी को घर ले आएंगे. हाँ हाँ चलो माँ, हम दादा दादी को घर ले आएंगे और उनके साथ खूब खेलेंगे और हम दादा दादी के साथ मस्ती करेंगे. मैं तुझे हराऊंगा. चले फिर सकती. फिर से शैतानी. देखा बरवे. हाँ, हाँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, हाँ, नेता, बिजनेसमैन सभी यहाँ आकर माथा टेकते हैं यहाँ. जय श्री सिद्धि विनायक. सभी की सुनने के लिए ही तो बैठे हैं. सच सब की सुनते हैं. हाँ, सबको अनुभव भी आता है. इसीलिए लाखों लोग बिना चप्पल पहने यहाँ पैदल चले आते हैं. भगवान के सामने बड़े लोग और हम सब एक जैसे हैं. मेरे बच्चों पर सही कृपा बनाए रखना, उन्हें हर तकलीफ से. मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े तोहफे लेके आने वाला भक्त और जिसकी हैसियत एक फूल भी देने की नहीं, ऐसा भक्त इसमें भगवान गरीब भक्तों के और ज्यादा ध्यान देता है. ठीक कहा बापू आपने. जैसे माँ हट्टे कट्टे बच्चे की बजाय अपाहिज बच्चे पर ज्यादा ध्यान देती है. सच कहा, सच कहा. बरवे,
आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे ना तो हम लोगों पर उसका ध्यान जरूर जाएगा। वो कैसे? अरे हमारी ट्रेन निकल जाएगी। चलो चलो बाबू चलो चलो, ट्रेन निकल जाएगी, चलो चलो चलो। हे नलो, किधर जाना है, क्या मांग रहे हो? कुछ नहीं, कल से हम अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं ना, हमारे पास जो भी है वो हम आश्रम को दान कर देंगे। ठीक है, सिद्धि विनायक से आशीष मांग रही थी। अपने माटे? अपने माटे शू मांगवानो, वो तो मानव और बच्चों के लिए मांग रही थी। हाँ तुमने तो ठीक कहा, जब भी माँ बाप का शीश भगवान के सामने झुकता है, हाथ आशीर्वाद के लिए उठते हैं, तो सिर्फ वो अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के अच्छे के लिए। हालांकि बच्चे कैसे भी निकले। चलो, हाँ, चलते हैं। सब आगे बढ़ गए हैं, चलो। प्रभु, आज से हमारा जीवन तुझे समर्पित। हे सिद्धि विनायक, अब हर पल हर क्षण तुम हमारे कार्य के साक्षी हो, सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे दिल में रहो प्रभु। बस एक और कृपा कर दो, एक बार बा और बापूजी को वापस घर ला दो प्रभु, उनके बिना घर अधूरा है। नमस्ते मेहता साहब। नमस्ते। दर्शन हो गए? हाँ, आप जानते मुझे? बा और बापू से तो मिले ही होंगे आप। बा और बापू? हाँ? बा और बापू यहाँ पर हैं? हाँ, दर्शन करने आए थे। पंद्रह मिनट हो गए होंगे, दादर स्टेशन के लिए निकल गए। वो दादर स्टेशन गए? हाँ। मानो स्टेशन चले, आज बाप बाबू को घर ले आए। चलो लाइए मुझे हाथ दीजिए, आइए संभल कर आओ। क्या बरवे साहब, कितना अच्छा दर्शन हुआ। बहुत अच्छे दर्शन, अच्छे। ये सब बरवे साहब। अरे नहीं नहीं, ये तो उनकी कृपा है, मेरी नहीं। बा, बा, बापू, गणेश जी की कृपा है। एक काम करते हैं। क्या? पंद्रह दिन के बाद और आते हैं यहाँ। हाँ, क्यों? फिर से आएंगे। क्या है?
भगवान का दर्शन करने के लिए कभी भी आएंगे। कभी भी आ सकते हैं। बोलता हूँ हम हर चतुर्थी को आएंगे। आएंगे हाँ, चतुर्थी को आएंगे। बा बापू बा बापू। सुनिए, ये मनु की आवाज है क्या? मनु की? हाँ? अरे कमाल कर रही हो, मनु यहाँ कहाँ आएगा? बा बापू बा। हाँ, ये मनु की आवाज है। हाँ, शायद शायद मनु की आवाज है। चलिए ना, चलो उतरते हैं। देखिए अब आप रुकिए, अभी गाड़ी तो चल पड़ी है, आप रुकिए रुकिए। अब क्या करें? आधा प्लेटफॉर्म आगे जाने के बाद गाड़ी कैसे रुक गई? गाड़ी रुक गई। बापू बा मेरी बात सुनिए, बापू बापू मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए बापू। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। बाबू हम आपको लेने आए। नहीं बेटी, नहीं नहीं। मैं जानती हूँ बाबू मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे माफ नहीं करते? लेकिन दिव्या, हमने कुछ और सोचा है। कल से हम एक नई जिंदगी जीने जा रहे हैं। सही माने में आश्रम को हमारी और हमें आश्रम की जरूरत है। नहीं बापू, मुझे मानव को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सबको आपकी ज्यादा जरूरत है। घर चलिए ना, आपके बिना घर अधूरा है बापू। जब से आप गए हैं ना बाबा, मेरे मानव के चेहरे से तो हंसी चली गई है। और बाबा, आप नहीं होंगी तो उंधियों कौन खिलाएगा मेरे बच्चों को? नहीं, घर चलिए ना। नहीं नहीं बेटे नहीं। अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? देख तो सही। दादी, दादू। ये। बेटे सूरज। बेटा तेरा पैर। आना। दिव्या, अरे ये तो चमत्कार हुआ है। अरे वाह। हे भगवान, सिद्धि विनायक। जय गणपति बप्पा। हे विनायक। हे मानो। मालूम है आज ननु का 21वां मंगलवार का सिद्धि विनायक का व्रत पूरा हुआ है और आज ये चमत्कार हुआ है। हम आते हैं ननु,
हम जाएंगे, हम घर आते हैं बेटा, हम घर आते हैं। अलग अलग रूप में मेरे सामने आते रहे लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ, ठीक पहचाना मुझे, वो मैं ही था। तुम्हें हर जगह अलग अलग रूप में मैं ही मिला। वैसे जो भक्त अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, मैं उसकी सारी इच्छाएं बिना मांगे ही पूर्ण करता हूं। ना कोई तीर्थ, ना कोई धाम, ना पूजा उपवास, मात पिता की सेवा ही है मेरा प्रसाद। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। श्री गजानन जय गजानन सिद्धि विनायक मोरया। जानन जय गजानन।